चैनल आपका स्वागत है। आज पढ़ने जा रहे हैं हम विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। क्या ये एक पुस्तक का कीमत कितनी है? 120 रुपए है। यदि दुकानदार इसे 10 पैसे की हानि, जहां भी हानि है उसे क्या बोलेंगे? घाटा, ठीक है ना, पर बेचता है 10 पैसे के हानि पर बेचता है, तब उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य मतलब होता है बेचना, क्रय मूल्य मतलब होता है खरीदना। तो उसे 10 पैसे की हानि, कभी भी 10 पैसे की हानि पूछे तो मतलब 100 में आप 10 घटा दोगे। अगर 10 पैसे का लाभ हुआ तो 100 में 10 आप जोड़ दोगे। जितना लाभ होगा ना तो उसे 100 में जोड़ देंगे, जितना हानि होगा 100 में घटा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कितने प्रतिशत की हानि हुई इसकी? 10 प्रतिशत की। तो 100 में 10 घटा दीजिए, ठीक है ना, कितना आ जाएगा आपका? 90। तो ये क्या हो जाएगा? अभी 90 लिख दिया। अब प्रतिशत, प्रति मतलब क्या होता है? 1 शत माने 100, तो 100। खरीदा कितने का था उसने? 120 रुपए का। 120। अब इस तरह कंडीशन इसको आप ऐसे कर लीजिए, नीचे सहूलियत के लिए जीरो जीरो कैंसिल कर दीजिए, जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दीजिए। कितना बचा? 12 × 9 = 18। नौ और एक 10। तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 108 रुपए में उसने बेचा, जिससे उसको 10 प्रतिशत की हानि हुई। तो जब भी हानि पूछे तो 10 प्रतिशत की हानि या 20 प्रतिशत की हानि, 100 में आप उतना घटा दोगे। अगर जो 10 प्रतिशत का लाभ हुआ, 20 प्रतिशत का लाभ हुआ, तो 100 में आप उतना जोड़ दोगे। प्रतिशत मतलब क्या होता है? प्रति मतलब 1 शत माने 100, तो 100 में ही आपको घटा। अच्छा, क्रय मूल्य क्या होता है? जैसे पेन चौक मैंने खरीदी 5 रुपए की, तो ये क्रय मूल्य होगा। हम इसको 10 रुपए में बेच दिया तो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। मतलब जितने पर खरीदा जाए वो क्रय मूल्य, और जितने पर बेचा जाए वो